के बाहरे ट्रांसफर कर दीते चाहिए आपनी प्रथम जे 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 दोस्तों नमस्कार। एक बंगाली मूवी का ट्रेलर आया है जिस मूवी का नाम है मेंटल। तो पहले उसका हम ट्रेलर देख लेते हैं। सब जगह किसी नियम थे लोकनाथपुर नियम एटाई कि पुलिस के बला जाए জন্মাবার পর আর মৃত্যু পর্যন্ত সবার মুখে খালি একটাই নাম দিদিমণি। রঘুনাথপুরে এমন কোন ইলিগাল বিজনেস নেই যেটার সাথে রুদ্রানী চৌধুরী যুক্ত হয়। ওদের অ্যাকচুয়াল বিজনেস হল স্মাগলিং বা গোমেন ট্রাফিকিং। নিজেই নিজের বরকে মেরে সেই সিটে সিম্পতি বোর্ডে শিখে মেরে হয়েছে রুদ্রানী। গুন্ডা হলে আমি সরকারি গুন্ডা মারলে হিরো মরলে মেডেল তোরা মারলে মার্ডার আমি মারলে এনকাউন্টার। এখানে সূর্য উদয় সূর্য অস্ত আমার কথা আজ অব্দি সবাই আমাকে নিজের এলাকার থেকে বাইরে ট্রান্সফার করে দিতে চেয়েছে। আমার সূর্য শিব ওরে গেলে তাণ্ডব করে তোমাদের সুনামটা আছে এটা সঙ্গে নিয়ে দিও সুনাম হোক বা বদনাম নাম তো যাতে তো যাবে। মেন্টাল মেন্টাল মুভি এক বঙ্গালি মুভি হ্যাঁ যে বঙ্গালি ভাষা মে রিলিজ কি যায়গে। ইসমে দিখাযা জাতা হ্যায় কি এক শান্তিনি ঘোষ হ্যায় না ও এক বহুত বড়ি স্মাগলার হোতি হ্যায়। ইসমে দিখাযা জাতা টেলার মে কি ও বহুত বড়ি স্মাগলার হোতি হ্যায়। স্মাগলিং কে সাথ মে লড়কিয়ো কা ভি ব্যাপার করতি ও লড়কিয়ো কো ভি বেচ রহি হোতি এক ট্রাক মে ভার রহি হোতি হ্যায়। অর ও ওয়াহাঁ কি ইতনি বড়ি নেতা হোতি না কি উনকে আগে সব হাত জোড় কে এসে খড়ে হো জাতে হ্যায়। फिर एक पुलिस वाला नाम है यश दास गुप्ता मतलब जो हीरो है यश दास गुप्ता वो आते हैं और वो दीदी की ऐसी बैंड बजाते हैं ना दीदी से पंगा ले लेते हैं। वो दूसरा जहाँ है ना वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है वो उनसे प्यार करने लगती है और वो अपने भाई से कहती है कि भाई तुम वादा करो नंबर दो का काम नहीं करोगे पुलिस की वर्दी में रहते रहते। और उनका भाई भी पूरी ईमानदारी से नहीं करता है पर जो दीदी होती है एंथनी घोष उनका नाम दीदी होता है ना उसमें मतलब उच्च लेवल की वो दीदी बनी होती है। तो वो उच्च लेवल की जो दीदी होती है ना वो अपने आगे किसी को नहीं चलने देती है। और शायद सर जहाँ उनकी बहन होती है या बेटी होती है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि बंगाली में थी तो भाषा थोड़ी कम समझ में आ रही थी। हाँ हिंदी में आती तो ज़्यादा उसकी भाषा समझ में आती पर हाँ जो ट्रेलर देखा ना ये एक्शन से भरा हुआ था गुंडागर्दी से भरा हुआ था क्योंकि उनके इतने सारे गुंडे होते ना दीदी के उनको सबको एक एक करके वो पुलिस वाले मारते हैं बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इसमें दिखाया जाता है शायद उनका भाई मर जाता है क्योंकि चिता चल रही होती है वहाँ दीदी भी खड़ी होती है नुसरत भी खड़ी होती है यशदास गुप्ता भी खड़े होते हैं और फिर वो अपनी वर्दी उतार देते हैं। फिर इसके बाद में वो पिटाई लगाते हैं ना सबकी पिटाई लगाते हैं। तो ये मूवी एक्शन से सस्पेंस से थ्रिलर से
बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है। जहाँ गांव वाले उनकी इज्जत बहुत करते हैं, वहीं पुलिस वाले उनकी इज्जत उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये दीदी जो है ये कोई डरने की चीज़ नहीं है। ये क्या है ये हमें मूवी देखने के बाद में पता चलेगा। पुलिस वाले होते हैं ना तो वो डायलॉग मारते हैं, कहते हैं कि अगर तुम ठग हो तो हम सरकारी ठग हैं। अगर तुम जो मतलब उसमें शुरू शुरू में दिखाया जाता है एक लड़की का किडनैप हो जाता है, फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि ट्रक में वो लड़की को जबरदस्ती भर रहे होते हैं। तो ये एक कॉमेडी भी है पर बहुत कम है, मार धाड़ भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मार धाड़ बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। और इसमें प्यार भी दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाले होते हैं और उनसे प्यार करने लगते हैं। इसमें एक गाना भी आता है जिसको गाया है मीका सिंह और ऐमान चक्रवर्ती ने, इस गाने को गाया है और ये गाना यूट्यूब पर बहुत वायरल हुआ। तो इसमें गाना भी होता है, पहले तो वो बंगाली में गाते हैं तो अच्छा लगता है, और फिर इसी बात में दिखाया जाता है कि उनके यहाँ पे लिखा होता है सूर्या चक्रवर्ती, उनके यहाँ बिल्ला में लिखा होता है। तो वो छीनती है या उनका नाम पढ़ लेती है, जो भी है ये सब हमें मूवी में देखने के बाद में पता चलेगा। पर हाँ, मूवी बहुत दंगा होगी, एक्शन से तो बहुत भरी होगी। क्या क्या होता है उस गांव में, लोग कैसे अंधविश्वास करते हैं या उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो लड़कियों का क्या होता है जो पकड़ के ले जाते हैं, बाद में दीदी गुस्से में बहुत दिखाई जाती है, क्योंकि वो जो सूर्या होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से सबको मार रहे होते हैं, जो क्योंकि वो एक पुलिस वाले बने होते हैं, वो पूरी अपनी गाड़ी पुलिस के ले जाके फाटक तोड़ के और अंदर घुस जाते हैं और बहुत मार धाड़ करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम ठग हो तो मैं सरकारी ठग हूँ, अगर तुम हत्या करते हो ना तो मैं एनकाउंटर करता हूँ, क्योंकि वो एक पुलिस वाले होते हैं। मेंटल मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। हाँ, ये जो मेंटल मूवी का ट्रेलर था हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें जो दीदी होती ना उनका ऊपर का माला हमें लगता है सच में खाली होता है, क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहती है, सबसे हमेशा करती रहती है। वो एक बार ऑर्डर भी देती है कि उसको मार दो जाके, और वो शायद उनको मार भी देता है, जो उनका सरकारी पालतू इंसान होता है ना वो उनको मार भी देता है, ऐसा उसमें दिखाया गया ट्रेलर में। और दीदी के डर के मारे उनसे कोई नहीं बोलता, उसमें दिखाया गया कि दीदी कुछ भी गलत करती ना फिर भी लोग उनकी जय जयकार करते, डर के मारे या पावर के मारे, ये तो बाद में मूवी में देखने के बाद ही पता चलता। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि मेंटल मूवी जो बंगाली में आई है उसका ट्रेलर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिएक्शन वाले एलियन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही टीजर और ट्रेलर की वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहें और आप देखते रहें और हमें कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।